डायबिटीज आजकल हर घर में फैला हुआ है। घर का कोई ना कोई सदस्य इस समस्या से पीड़ित है। डायबिटीज से शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन दरअसल खून में मौजूद शुगर को चलाता है और इसकी कमी होने से ग्लूकोज शरीर में सही से प्रवाहित नहीं हो पाता। इसलिए शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है। पहला, जिसमें अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास इंसुलिन बना नहीं सकता, इसके लिए लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और दूसरा, जिसमें अग्नाशय यानी पैनक्रियास इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता। टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे मरीजों को भी अंत में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इन दोनों के अलावा एक और तरह का डायबिटीज होता है, जो सिर्फ गर्भावधि यानी प्रेगनेंसी के टाइम होता है। ये माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज माता पिता से बच्चों में आता है। यह बचपन या किशोरावस्था में ही दिख जाता है। दूसरी तरह का डायबिटीज इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से होता है, जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि इंसुलिन कितना बन रहा है, क्योंकि इसे अग्नाशय सही तरीके से उपयोग ही नहीं कर पाता। मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध का प्रमुख कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अक्सर मोटापे का शिकार लोग ही होते हैं। पहले तरह के डायबिटीज वालों को पेशाब की समस्या होती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है और हमेशा थकान महसूस होती है। टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसमें मरीज को हल्की हल्की प्यास लगती है और इसके साथ ही धुंधली दृष्टि की भी शिकायत होती है। हार्ट और किडनी संबंधित समस्याओं तथा अंधेपन का मुख्य कारण डायबिटीज होता है। पहली तरह के डायबिटीज को रोका नहीं जा सकता और दूसरी तरह के डायबिटीज को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर सही किया जा सकता है, जैसे वजन घटाकर, हेल्दी खान पान और रोज एक्सरसाइज करने से।